Hi guys, I'm Sarthak and welcome back to ModX Computers and welcome back to hashtag AskModX. This is episode number 11. आपके सवाल हमारे जवाब. तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं. बढ़ते गए हमारे सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ. तो ये हमसे पूछा है नरेंद्र जी ने. इन्होंने पूछा है कि हाय सार्थक ब्रो, यू आर डूइंग एन ऑसम जॉब. आई नीड अ पीसी विद द बेस्ट पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन, इंटेल बिल्ट i5-12400F अंडर ₹60,000 विदाउट जीपीयू एज आई ऑलरेडी हैव अ 3060 Ti. विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर न्यू बिजनेस इन नेहरू प्लेस. प्लीज टेक माई क्वेश्चन, थैंक्स इन एडवांस. तो इनको जो है एक पीसी जानना है 60,000 रुपीज के अंदर, जिसमें कि 12400F प्रोसेसर का यूज करा गया, बट उसमें ग्राफिक्स कार्ड ना हो क्योंकि उनके पास पहले से ही है. वैसे इस बार मैं बता दूं कि इस वाले एपिसोड में ना आपके मतलब स्पेक्स के रिगार्डिंग जो है वो क्वेश्चन थोड़े ज्यादा है कि भाई इस स्पेक्स में क्या लेना चाहिए, उसमें क्या लेना चाहिए, या फिर आपकी स्पेक्स के जो है मतलब इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा आए थे. हालांकि इनकी जो स्पेक्स है वो 60,000 के अंदर वो ये रही. आप जो है यहाँ पर चेक कर सकते हो अंडर ₹60,000 विदाउट ग्राफिक्स कार्ड, ये मेरे सबसे बेस्ट है. अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है वंदना गुप्ता ने. पूछा है कि माई क्वेश्चन इज दैट कैन वी सिंक डिफरेंट ब्रांड मदरबोर्ड विद डिफरेंट ब्रांड कैबिनेट फैंस. RGB सॉफ्टवेयर इज बेस्ट फॉर ऑरस B550 मदरबोर्ड. मतलब ये पूछना चाह रहे हैं कि इनके पास मतलब एक दूसरे ब्रांड का मदरबोर्ड है लेकिन जो कैबिनेट के जो केस फैंस है वो दूसरे ब्रांड के, लाइक जैसे कि मतलब डीप कूल तो वैसे भी खैर मदरबोर्ड भी नहीं बनाता, तो जैसे मान लो MSI का मदरबोर्ड है उसमें डीप कूल के फैंस है. तो ये पूछ रहे हैं कि मतलब क्या वो सिंक हो जाएगा उसके सॉफ्टवेयर से, मदरबोर्ड के सॉफ्टवेयर के. तो हाँ हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. और आप खुद देखो ना, ऐसे तो काफी सारे यार ब्रांड्स हैं जिनके मदरबोर्ड ही नहीं आते. Silverstone है, उसके फैन आते हैं पर उसके मदरबोर्ड नहीं आते. XVJ उसके फैन आते हैं पर उसके मदरबोर्ड नहीं आते. तो सिंक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है. सब स्टैंडर्ड वो जो आपकी 3-pin 5V ARGB होती है उसी कनेक्टर के ऊपर चलता है. अपने मदरबोर्ड में सॉफ्टवेयर डालिए एंड उसको कंट्रोल करिए. अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है लाइफ इज अ गेम. इन्होंने पूछा है कि प्लीज पिक माय क्वेश्चन. प्लीज माय क्वेश्चन इज कि मैं एक पीसी बिल्ड करने का प्लान कर रहा हूं जिसमें कि ये कंपोनेंट सही है, एक बार बता दो. प्रोसेसर i5-12400F, गीगाबाइट 3 फैन, RX 6600 ईगल वर्जन, समझ गया मैं. PSU VS 600L और रैम हो गई ए डेटा की D30 8GB x2 मतलब 16GB जो है टोटली यहाँ पर यूज़ करेंगे. बाकी स्टोरेज हो गई 500GB की क्रूशियल और मदरबोर्ड हो गया Asus Prime H610, एयर कूलर A400i. तो मतलब ये पूछ रहे कि क्या ये कंपोनेंट्स ठीक है या फिर नहीं है. मेरे हिसाब से आप जो है इस पूरे कन्फिग में एक तो चीज़ है जो कि आपको यहाँ पर जो है कंसिडर करनी चाहिए चेंज करने की. सबसे पहले एक तो हो गया आपका यहाँ पर पावर सप्लाई, ठीक है. पावर सप्लाई मेरे हिसाब से ये एंटी स्पोर्ट्स वाली है जो VS600L है, तो इसकी जगह आप एक अच्छे ब्रांड की पावर सप्लाई में इन्वेस्ट करें. आप कॉर्सेर, कूलर मास्टर या फिर डीप कूल या EVGA, इन सब ब्रांड्स की जो पावर सप्लाई है प्लीज़ इनको जो है कंसिडर करिए. एक अच्छे ब्रांड की पावर सप्लाई लीजिए जो कि रिलायबल हो, लंबे समय तक साथ दे और आपके जो है मतलब सही रहे, ठीक है. क्योंकि पावर सप्लाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके पीसी का, जो कि अगर दिक्कत हो जाए उसके अंदर तो वो हो सकता है भाई किसी दूसरे कंपोनेंट को ले डूबे, क्योंकि आफ्टर ऑल वो पावर दे रही है भाई आपके बाकी कंपोनेंट्स को. बाकी आपका यहाँ पर एक दूसरी चीज़ जो कि आपका मदरबोर्ड अगर थोड़ा अपग्रेड कर पाओ तो ठीक है. ऑल्दो Asus Prime H610 इज ऑल्सो क्वाइट गुड इनफ जो कि आपका 12400F को हैंडल कर सकता है, बट स्टिल इट्स अ बेसिक मदरबोर्ड विच इज मीन टू बी पेयर्ड विद i3-12100F. तो आप उसमें i5 चलाएंगे, मतलब चला सकते हो, बट फिर भी अगर एक बेसिक B660 लोगे तो वो चीज़ मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहेगी. अगला क्वेश्चन हमसे पूछा सौरभ बिस्वस ने. इन्होंने पूछा है कि विच पीसी कंपोनेंट टू यूज़ अराउंड 1.2 लाख, 3070 Ti और i5-12400F, 512GB SSD, नो हार्ड ड्राइव रिक्वायर्ड. तो मैंने जो है स्पेक्स बनाई आपके लिए 1.2 लाख के अंदर, और इसमें जो है आपका i5 भी आ गया, इसमें आपको 3070 Ti भी आ गया, और मेरे हिसाब से जो बेस्ट कंपोनेंट्स इसमें लग सकते थे 512GB के साथ वो भी मैंने इसमें लगा दिए हैं. अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है विच प्रोसेसर इज गुड टू पेयर विद RTX 3060, i5-11400F और Ryzen 5 5500. आई हैव ओनली 13,000 rupees टू स्पेंड ऑन प्रोसेसर. बाय द वे आई एम गोइंग टू बिल्ड दिस पीसी फॉर यूट्यूब एंड हाई FPS गेमिंग फ्रॉम योर वेबसाइट. तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये मेरे से काफ़ी सारे लोग पूछते रहते हैं कि भाई i5 के 11400F के साथ में जाए या फिर Ryzen 5 5500 ले ले. अब इन दोनों के बीच में जो मेजर डिफरेंस है ना, इनकी जो प्राइसिंग है वो काफ़ी एक मतलब पास पास में ही रहती है 11400F की और Ryzen 5 5500 की. लेकिन मैं आपको बताता हूँ इन दोनों के बीच में जो सबसे ज़्यादा बड़ा मेजर जो डिफरेंस आता है ना वो ये है कि आपका जो Ryzen 5 5500 है वो सिर्फ PCIe Gen 3 को सपोर्ट करता है, बट आपका जो 11400F है वो PCIe Gen 4 को भी सपोर्ट करता है. तो अगर आप Gen 4 NVMe SSDs लगाना चाहते हो अपने पीसी के अंदर, देन डेफिनेटली यू शुड गो विद i5-11400F. बट Ryzen 5 5500 के साथ में आपको एक छोटी सी एक एडवांटेज जो यहाँ पर ही देखने को मिलती है, मतलब AM4 प्लेटफॉर्म वाली,
ठीक है, कि आपको जो है वहां पर मतलब एक अच्छा आप अगर मतलब, और प्लस ना उनके मदरबोर्ड्स के भी ऑप्शन जो है काफ़ी ज़्यादा रहते हैं AM4 प्लेटफॉर्म के अंदर। मैंने देखा है कि आप मतलब अगर सस्ते में मदरबोर्ड चाहते हो ना, तो वो आपको AMD प्लेटफॉर्म के साथ में ज़्यादा देखने को मिलेंगे, जैसे कि B450 B550 आपको बहुत सारे मदरबोर्ड्स मिल जाएंगे। जबकि जो इंटेल की साइड में इनके 11 जेन के लिए जो मदरबोर्ड है, आप मतलब अगर सस्ते में कुछ ढूंढना चाहो तो काफ़ी लिमिटेड ऑप्शंस रहते हैं। और जैसे कि आपने बताया कि आप इसके साथ में जो RTX 3060 को पेयर करोगे, जो कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं देगा, चाहे आप उसको Gen 3 प्लेटफॉर्म के ऊपर चलाओ या फिर Gen 4 के साथ में चलाओ, बैंडविड्थ की जो आपको बिल्कुल भी यहां पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो आप दोनों ही सीपीयूज के साथ में इसको चला सकते हो। अब ये आपके ऊपर है कि आप इन दोनों में से जो है किसके साथ में जाना चाहते हो। बाकी मैं होता पर्सनली तो 11400F के साथ में चला जाता, क्योंकि थोड़ी फास्टर NVMe Gen 4 NVMe लगाने का जो ऑप्शन वहां पर देखने को मिलता है। बट मतलब मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूं कि यार AMD के साथ में वो हमको एक अच्छे रिलायबल AM4 प्लेटफॉर्म का सपोर्ट मिलता है वहां पर, तो या दोनों ही अच्छे हैं वैसे तो, मतलब थोड़ा कंपटीशन वाला मामला है। तो आप जो है अपने हिसाब से जो है मतलब आपको जिसके साथ में जो है जाना अच्छा लगे आप उसके साथ में जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है प्रिंस, इन्होंने पूछा है कि स्टोर्स आर विलिंग टू सेल RTX 3060 फॉर 25 to 27,000 विदाउट बिल टैक्स इन कोलकाता, आई वॉन्ट इंटरनेशनल वारंटी बिकॉज आई लिव इन बांग्लादेश, वॉट इज द डिफरेंस लव फ्रॉम बांग्लादेश। पहली चीज तो मैं आपको एक यहां पर ये बता दूं कि आपको जो है कोई भी ब्रांड इंटरनेशनल वारंटी प्रोवाइड नहीं करता है, सिर्फ मेरे हिसाब से एक EVGA ही एक ऐसा ब्रांड है जो कि आपको इंटरनेशनल वारंटी जो है प्रोवाइड करता है। अगर आपके पास जो पार्ट है वो किसी और दूसरी कंट्री का है, आप किसी और दूसरी कंट्री में ले जा करके उसके जो है सर्विस आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको जो है बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं किया जाएगा। एज फार एज आई नो मेरे हिसाब से इंटरनेशनल वारंटी नहीं है, बाकी आप अपनी खुद की भी रिसर्च एक बार कर लेना, बट जितना मुझे पता है मैं आपको बता रहा हूं इंटरनेशनल वारंटी नहीं मिलती है प्रोडक्ट्स के ऊपर। दूसरी बात, आप जैसे कि बता रहे हो कि आपको जो है विदाउट बिल या फिर विदाउट टैक्स जो है यहाँ पर मिल रहा है, सबसे पहली चीज़ भाई गलत काम हो रहा है, इलीगल काम चल रहा है। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपसे कोई भी अगर सेलर ऐसे कहता है ना कि भाई साहब बिल नहीं मिलेगा और कैश में पेमेंट कर देना, आपको विदाउट बिल जो है ये प्रोडक्ट दे देंगे, तो सबसे पहले तो आप जो है उसकी कंप्लेंट करिए प्लीज़ GST के अंदर कि भाई ये सब क्या GST के लोचे चल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, कि भाई गवर्नमेंट तक जो है उनका टैक्स नहीं पहुँचता, जो कि काफ़ी गलत बात होती है। तो ऐसे आपको अनएथिकल काम नहीं करने चाहिए। अगर आपको कहीं पर भी दिखता है ना कि इस तरह की हरकतें चल रही, तो प्लीज उसकी कंप्लेंट करें। आप एक चीज और सोचिए ना, जो सेलर्स इस तरीके के अनएथिकल काम कर भी रहे हैं कि आपको विदाउट बिल विदाउट टैक्स जो सामान दे भी रहे हैं, तो आपको सबसे पहले तो वहां पर ना दो दिक्कतें और देखने को मिलती है। एक तो बंदा इस टाइप का है जो कि इस तरीके का काम कर रहा है, तो आप उसके ऊपर रिलाय कैसे कर सकते हो कि वो आफ्टर सेल सर्विस आपको अच्छी देगा, जब वो खुद ही इस तरीके के लोचे वाले काम कर रहा है, ठीक है। और दूसरी बात, क्योंकि आपको जो है बिल वगैरह नहीं मिलता है, देते भी तो फर्जी वर्जी बिल दे देते होंगे, तो वहां पर आपको वारंटी को भी लेकर के इशू आ सकते हैं। तो इसलिए बोलता हूं भाई अच्छी जगह से खरीदो सामान, कभी भी ये 2-4 हज़ार रुपये के पीछे भाई अपनी ऐसे तैसी मत करवा लेना, मैं सही बता रहा हूँ। मतलब फिर आगे अगर आगे चल के आपके किसी भी कंपोनेंट में दिक्कत आती है, आपको वारंटी नहीं मिलती है, तो वो 2-4 हज़ार रुपये बचाने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि आपके जो एक्सपेंसिव कंपोनेंट है वो बिल्कुल बेकार हो जाए और आपको सर्विस ही ना मिले। इसलिए हमेशा याद रखना कि कोई महान व्यक्ति कभी कह के गए थे कि किसी अच्छी जगह से हमेशा PC बाय करना, मोडेक्स कंप्यूटर से बाय कर लेना। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है साइको वॉरियर, ने पूछा है कि योर ओपिनियन ऑन दिस कॉम्बिनेशन एंड रिकमेंडेशंस इफ पॉसिबल, इंटेल 13600 के डीप कूल गैमएक्स 400 V2 ब्लू मदरबोर्ड हो गया, B660 DS3H AXDDR4 वाई-फाई गीगाबाइट वाला हो गया, ये T4s की रैम हो गई वल्कन Z और 16 GB टोटल, 512 GB SSD हो गई, सिल्वरस्टोन की 650 W पावर सप्लाई हो गई और 4000 रुपये की कोई कैबिनेट हो गई। ठीक है, वैसे पूरी आपकी जो है बिल्ड और स्पेक्स वगैरह यहाँ पर, बस खाली मैं यहाँ पर ही कहना चाहूँगा कि कूलर को थोड़ा सा और बेहतर आप यहाँ पर करिए। थोड़ा सा और बेहतर क्या भाई, ये तो बहुत ही बेकार है यार, 400 V2 ब्लू 13600 के आराम से भाई 100 पे जाएगा इसको अगर लगा दिया तो एक अच्छे से मतलब AK620 आता है डीप कूल का, आप उसके साथ में पेयर कर लेना, वो सही चलेगा भाई इसके साथ में। या फिर आप एटलीस्ट कोई भाई एक अच्छे लेवल का एक 240 mm का लिक्विड कूलर लगा लेना, अच्छा वाला कह रहा हूँ, सस्ता वाला नहीं, वो डीप कूल के जो गैमएक्स आते हैं वो नहीं, डीप कूल में भी अगर लगाओ तो इनकी जो इन्फिनिटी LS520 आती है उस टाइप का कुछ लगाना, तब जाके जो है वो आपका CPU ठंडा चलेगा, वरना बहुत गर्म चलेगा। अगला क्वेश्चन बड़ा ही कमाल का और बड़ा ही अच्छा सा जो इन्होंने पूछा है, मतलब वैसे आप ऐसे काफी सारे लोगों को इसका आंसर ऑलरेडी पता होगा, बट चलो क्वेश्चन सुनते हैं। यह है ब्रो, मैं गॉड ऑफ वॉर 2K पर खेलता हूँ 60 FPS पे, पर फार क्राय सेम सेटिंग पर खेलने पे 80 क्यों मिलता है, ये सेम सेटिंग पे FPS ऊपर नीचे क्यों होते हैं अलग अलग गेम्स पे। तो आई नो आप में से ऑलरेडी जो है काफ़ी सारे लोगों को इसका आंसर पता ही होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो यार ऐसा है कि वो गेम टू गेम डिपेंड करता है ना, कौन सा गेम आपको जो है कितना ज़्यादा डिमांड कर रहा है ग्राफिकल पावर की, उस पर डिपेंड करता है। अब भाई ऐसे तो सेम सेटिंग पे मैं वैलोरेंट चला दूंगा तो उसमें तो भाई आपको 300-400 FPS मिल जाएंगे, जहां कि आपको 60 और 80 FPS आ रहे हैं। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा गेम खेल रहे हो, उसमें कितने टेक्सचर्स हैं,
कितनी उसकी डिमांड कर रहा है वो भाई ग्राफिकल पावर की, तो उस हिसाब से आपको जो FPS वहां पर मिलते हैं वो होते हैं ना कि लाइट गेम्स, जैसे कि GTA 5 को हम थोड़े से हल्के गेमों में मानते हैं, जो आजकल के ट्रिपल ए टाइटल्स हैं वो काफी हैवी डिमांडिंग टाइटल्स हो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है वहां पर आपको FPS कम ही देखने को मिलते हैं, तो इस वजह से FPS ऊपर नीचे हो जाते हैं। कुल मिला के इतना समझ लो भाई, गेम टू गेम डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है जॉन्टी ने, इन्होंने पूछा है कि ब्रो मैं ऑलमोस्ट 2 ईयर पहले i5-10400F एंड B460 मदरबोर्ड विद GTX 1650 सुपर बिल्ड किया था, अभी 13 जन लॉन्च होने वाला है तो कुछ मंथ बाद, तो क्या उसके लिए वेट करूं इंक्लूडिंग मदरबोर्ड या फिर ओनली GPU अपग्रेड कर लूं, एक साथ 3 कंपोनेंट बाय करने का बजट नहीं है, तो मतलब ये अपने पीसी को अपग्रेड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखो ऐसा है कि आपको ना अपने आप से सवाल पूछना है कि आप करते क्या हो ज़्यादा अपने पीसी के ऊपर, क्या आप गेमिंग करते हो ज़्यादा, आपका मेन जो काम रहता है अपने पीसी के ऊपर वो गेमिंग करना रहता है, तो मैं आपको कहूँगा कि आप अपने GPU को अपग्रेड करिए। बट अगर आपका जो है काम थोड़ा ऐसा रहता है कि आपको CPU पावर की ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जो है एडिटिंग या प्रोडक्टिविटी कुछ इस टाइप के अंदर हो कि आपको जो है प्रोजेक्ट्स वगैरह एडिट वगैरह करने होते, तो हाँ वहाँ पर आपको जो है CPU के लिए जो मतलब जाना चाहिए कि आपको अपना CPU अपग्रेड कर लेना चाहिए। बाकी अगर आप सिर्फ गेमर हैं और गेमिंग करते हैं तो GPU अपग्रेड करना। अगला और जो आखिरी क्वेश्चन है हमसे पूछा है ट्रैजेक्टो बॉय ने पूछा है कि ब्रो आई एम अंकित फ्रॉम न्यू दिल्ली, मुझे आपके नेहरू प्लेस वाले स्टोर से पीसी लेना है, मैंने कुछ कंपोनेंट सिलेक्ट किए हैं और मेन फोकस एक एडिटिंग पीसी के लिए है, तो बता दीजिए कि क्या ये कंपोनेंट्स मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ठीक रहेंगे या फिर नहीं। i5-12600K हो गया, B660M मोटर हो गया, 650 वॉट की पावर सप्लाई डीप कूल ठीक है, L360 आपका कूलर हो गया यहाँ पर, और XPG D50 आपकी रैम हो गई 8x2 16GB, और आई गेम 3060 हो गया, एंटी स्पोर्ट्स रॉयल फ्लो RF120 RGB किट हो गई, और कैबिनेट हो गई ज़ेब्रोनिक्स की हर्मस। तो मेरे हिसाब से वैसे तो ऑल दो आपने सभी कंपोनेंट्स जो यहाँ पर काफ़ी अच्छे लिए हैं, और मेरे हिसाब से तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ चेंज करने की ज़रूरत है नहीं, बस खाली हाँ अगर कैबिनेट थोड़ा सा मतलब एक अच्छी ब्रांड की ले लो, मतलब इतना मैं ऊपर से भाई सारे कंपोनेंट पढ़ते हुए आ रहा था इतने बढ़िया बढ़िया कंपोनेंट, और जब नीचे आके मैंने कैबिनेट पढ़ी ना ज़ेब्रोनिक्स हर्मस, मूड खराब हो गया सही में। तोबा थोड़ा मूड खराब कर दिया। एक अच्छी ब्रांड की बढ़िया सी कैबिनेट ले लेना आप, मतलब लियानली और फैंटेक्स थोड़ी सी महंगी आती है, बट हाँ स्टिल 1-2 हज़ार रुपये ऊपर दोगे तो सेम डिज़ाइन में आपको जो है लियानली और ये भी मिल जाएगी ठीक है इनकी, तो आप जो इसको कंसिडर करना वो ज़्यादा बेटर रहेंगी। सो गाइस यही थे आपके सभी क्वेश्चंस और ये थे सभी मेरे जवाब, आपको वीडियो कैसे लगे नीचे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगले एपिसोड नंबर 12 के लिए अपने क्वेश्चन नीचे कमेंट सेक्शन में डालना मत भूलना, यूज़ करना है #AskModX ताकि आपके जो क्वेश्चंस को पिक करा जाए और अगले जो एपिसोड होगा उसमें उन क्वेश्चंस के जो आंसर दिया जाए। के अंदर अगर आपको भी पीसी वगैरह बाय करना हो तो स्क्रीन पर आपको जो नंबर देखने को मिल जाएगा 7011805001, इस नंबर पर आप लोग जो कॉल कर सकते हो व्हाट्सअप कर सकते हो सुबह के 10 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक, फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, संडे हमारा जो है क्लोज रहता है, बाकी वेबसाइट का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। और यार हमारा ऑफलाइन स्टोर भी है नेहरू प्लेस के अंदर, अगर आप ऑफलाइन आकर के अपने पीसी बिल्ड कराना चाहते हैं तो अब तो भाई ऑफलाइन स्टोर भी खोल लिया है, उसका एड्रेस आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, बाकी आपको बता भी देते हैं 205 सेकंड फ्लोर राजा हाउस बिल्डिंग नेहरू प्लेस, ये हमारा एड्रेस है, यहां पर भी आकर के आप जो है अपने पीसी बिल्ड करा सकते हैं। मिलेंगे ऐसे करने वीडियो के अंदर एक और नए कमाल की वीडियो के साथ में, तब तक क्लियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।